हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? एकदम मज़े में ना? मज़े में रहना यार। तो भाई, आज का कोई ट्रिप नहीं है हमारा घूमने का। आज हमारा जो प्लान है वो है हमारा गाड़ी को वॉश करवाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारी राइड हो रही है लेकिन गाड़ी वॉश हो नहीं पा रही है टाइम पे, और उसकी चैन भी बहुत ही दिक्कत कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉशिंग सेंटर पे, वहीं पे हम अपनी गाड़ी को लूब भी करवाएंगे और क्लीन भी करवाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, मिलते हैं बाइक पे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी पे। तो देख सकते हो अब इसकी हालत कितनी गंदी हो रखी है यार। मतलब जब से बरसात हुई है ना, तब से मेरे को धुलाने का मौका ही नहीं मिला है। और ये देखो भाई, इसके जो पीछे वाले डिस्क पैड है वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये भी अभी चेंज करवाएंगे हम। और एक दिक्कत और कर रही है यार, ये जो इसका ये क्लच लीवर है, ये थोड़ा सा प्ले कम दे रहा है, तो इसको भी हम सही करवाएंगे। लेकिन पहले अभी इसको हम धुलाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत टाइम से देखो नंबर प्लेट तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है यार। बरसात में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना ज़्यादा धुलाने में भी, क्योंकि हमेशा हर दिन गंदी होती है। लेकिन आज मैंने सोचा धुलवा ही लेते हैं, ज़्यादा दूर है ना, यहीं पे जाना है। भाई जी अच्छी धुलाई करते हैं यार, वो बहुत प्यार से तमीज़ से गाड़ी को। और भाई लगा लिया जाम, ये दिक्कत हो गई यार अब तो यहाँ पे। कब वाले भैया ने लगा दिया जाम, क्योंकि ये हो गया है वन वे, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार यहाँ पे गाड़ी निकालने में। अब हमें इसके पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा, आराम आराम से, मज़े मज़े में, है ना। वो देखो वाला भाई, देखो पीछे ले जा रहा है, क्योंकि भाई पास देने के लिए कोई जगह है नहीं यहाँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भाई राज ऑटो सर्विस पे। तो आज हमारे साथ रामू है ना। रामू रामू हाई कर दे भाई सबको। तो भाई हमें पहले जुलाई के लिए सबसे पहले चाहिए डीजल, है ना। ये हमारा डीजल आ गया है, और एक छोटा सा परात चाहिए। परात तो है नहीं, लेकिन हम डब्बे से काम चलाएंगे, जुगाड़ू आदमी। क्या बढ़िया था गुरु। और ये चाहिए हमें चैन, चैन लूप का, मतलब इसको हम इस शार्प करने के बाद लगाएंगे चैन पे, तो एकदम मस्त हो जाएगी मक्खन जैसी। तो भाई अभी रामू देखो लग गया, शुरू होने गया अपने काम पे। तो भाई देखो रामू भी आप पहली बार धुल रहे हैं ऐसी गाड़ी, है ना रामू। तो भाई रामू को भी नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा आज। तो भाई गाड़ी की हालत बहुत ही बेकार हो रखी है यार, मतलब काफ़ी टाइम से तो हमने चैन क्लीन करवाई नहीं, तो आज देखो उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हमारे रामू भाई को। तो अभी हम आगे का इस पॉकेट भी खोलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है यार। तो अभी ढूंढता हूँ मैं इसके लिए, खोलने के लिए अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र। अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई हम अभी आगे का इस पॉकेट खोल रहे हैं भाई, तो इसके लिए हमें कितना नंबर का है चाबी, 8 mm की। तो भाई 8 mm की चाबी से खोलना पड़ेगा। रामू भाई ने तो पीछे कर दिया साफ टन आटन। तो भाई आगे के इस पॉकेट के हाल देखो भाई, इतना गंदा हो रखा है, भयंकर ही गंदा। तो रामू भाई लगे हैं साफ करने में, और अब देखो टायर भी घुमाना है साथ में। फंस गया फंस गया फंस गया इस सज्जन को, क्या तकलीफ है भाई। तो अभी आगे का पॉकेट के भी हाल थोड़ा बुरे हैं, इसको भी हम बाद में करवाएंगे सही। भाई जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो है पीछे का अलॉय को साफ करना। तो रामू भाई अभी लगे हुए हैं पीछे के अलॉय को साफ करने में, क्योंकि KTM की जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनमें यही दिक्कत है कि जैसे हम चैन को क्लीन करते हैं उसके बाद जो ग्रीस है वो पीछे वाले अलॉय पे लग जाता है, तो फिर अलॉय पूरा गंदा हो जाता है। तो अभी हम अलॉय को साफ कर रहे हैं, और देख सकते हो अभी हमारा स्टेप 1 में जो हुआ था वो देखो, चैन एकदम साफ हो गई है, एकदम चमक गई है पहले जैसी। तो फटाफट अलॉय को भी साफ करते हैं यार। तो रामू भाई ने भी धो दिया पीछे का अलॉय बहुत ही, अब देखो क्या चमक रहा है, एकदम खतरनाक वाला। तो अब लगेगा हो गया, 2 स्टेप तो पूरे हो गए हैं। अब इसको पहले ढंग से धुलेंगे शैम्पू से पूरा, उसके बाद हम लूब लगाएंगे इस पर। तो देखो मज़े करो यार, ऐसे आराम से धुलाई कहाँ होती है आजकल, तो देखते रहो वीडियो को। तो फाइनली हो गई हमारी गाड़ी वॉश, तो अभी थोड़ा इस पर पहले पॉलिश वॉलिश होगी, उसके बाद लूप करेंगे लास्ट में, क्योंकि चैन को थोड़ा सूखने देना चाहिए यार।
तो सूख रही है अभी चैन, तो उसके बाद इस पर लूप मारेंगे। को भाई अब हम मॉड्यूल का चैन लूप करेंगे इसकी चैन पे। चैन तो एकदम चमक गई है देखो यार, बस लूप करना है और उसके बाद हमारी धनुष चलने को तैयार हो गया। तो फटाफट करते हैं लूप, रामू भाई कर रहे हैं हमारे। रामू भाई है ना, लूप करोगे आप? तो फाइनली हो गई हमारी धनों की धुलाई। तो रामू भाई का भी थैंक यू, रामू भाई थैंक यू। तो भाई जिसको भी गाड़ी धुलवानी होगी तो भाई यहाँ पे पहुँच जाए राज ऑटो सर्विस पे, बहुत ही सही गाड़ी धुलते हैं यार, मज़ा आता है। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट। अब धुलाई तो हो चुकी है लेकिन इसमें अभी एक चीज़ की दिक्कत है, ये है ब्रेक पैड की। तो पहले ब्रेक पैड ढलवाने जाता हूँ यार मैं, क्योंकि पीछे का ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके हैं। और इसके बाद क्योंकि लॉन्ग टूर कभी भी पड़ सकता है, और ये सीक्रेट है कि कब पड़े ये आप लोग ब्लॉग में देखते रहें आगे, बट बहुत जल्दी पड़ने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं नदीम भाई के पास, देखो नदीम भाई होते हैं कि नहीं होते हैं शॉपिंग, क्योंकि टाइम हो गया है एक लंच का टाइम ना हो। देखो पीछे का ब्रेक लग ही नहीं रहा है भाई मेरे, पीछे का ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है, पीछे के ब्रेक हो गए हैं ख़त्म पूरे। ये हो गोपीनाथ जी की, क्योंकि अभी थोड़ा लेट भी हो रहा है, लंच भूख भी लग गई है, लेकिन पहले गाड़ी पे काम करवा लेते हैं यार, क्योंकि मुश्किल से शेड्यूल निकल पा रहा है इसीलिए। और दिन में देखिए कैसा शांत हो रहा है एकदम, मार्केट ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। अरे डीओजी साहब पूरे रोड पे चल रहे हैं। तो ये हमारे हिमांश सोनियाल जी, बिग फैन देखे हमारे सब्सक्राइबर, और इनको नई गाड़ी की बधाइयाँ भाई। अभी लॉन्डो का पैसा बहुत है भाई। ये है हिमांश सोनियाल, अच्छा राइडर है यार, मज़ा आता है इसके साथ चलाने में। अभी लॉन्डे ने नई बाइक निकाली है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को, डोमिना 250 बहुत बहुत प्यारी मशीन है भाई, बहुत प्यारी मशीन। मैंने मतलब चलाई हो थोड़ा एक बार ट्राई लिया, लेकिन बहुत ही प्यारी मशीन भाई। नदीम भाई मिल जाए शॉप पे कि दिन में, फिर लंच के टाइम पे तो बहुत मुश्किल ही मिलता है। डीओजी साहब, मतलब बहुत सारे डीओजी साहब हैं आज के रोड पे, इतने सारे डीओजी साहब कहाँ से आए होंगे। पीछे का ब्रेक तो लग ही नहीं रहा यार, शायद पूरा ब्रेक पैड ख़त्म हो गया मेरे सारे। और ये वाला लीवर भी देखो, प्ले तो है ही नहीं इसमें, कोई प्ले नहीं आ रहा है इसमें तो क्योंकि गियर शिफ्टिंग में भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, पावर लैग कर रहा है। पीछे का ब्रेक के हालत के देख के भाई थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा यार। अभी देखा नहीं आपने, पीछे का ब्रेक लगा ही नहीं, कंट्रोल बाहर भाग गई गाड़ी। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम नदीम भाई के पास में, बस दुकान पे होने चाहिए। भाई जी प्रणाम। तो भाई ये देखो पुराने वाला डिस्क की हालत कैसे हो रही है, पैड की पूरे ख़त्म हो गए हैं, है ना भाई जी? अभी ये नए वाले लगवा रहे हैं हम अभी, तो नदीम भाई लगा रहे हैं फटाफट से। देखो यहाँ हाथ के तो बहुत बैंड बच गए यार। तो भाई डालते हैं ब्रेक पैड पीछे के, अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है गाड़ी को, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है अब चलाने के लिए। तो भाई लॉन्ग राइड का प्लान है, देखो शेड्यूल तो बन रहा है, थोड़ा मौसम साथ दे दे तो उसके बाद चलते हैं फटाफट। तो भाई कैसा लगा आपको आज का ये केयरिंग एंड मेंटेनिंग ब्लॉग? पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब करें यार चैनल को, और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेफ राइड।
भेजी बुला वाली गैंग मेरी, भेजी बुला वाली गैंग मेरी, गैंग गैंग पहाड़ी है गैंग मेरी।